नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप हेल्दी एंड फिट होंगे। बहुत दिनों की बात आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट मेक सम वीडियोस ऑन दिस रोड कंडीशन। थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसीलिए वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा इसी रोड का कंडीशन के ऊपर, यानी सिलचर टू हाफलॉन्ग लामडी रोड का कंडीशन किस तरह है इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए व्यूअर्स, सिलचर टू हाफलॉन्ग लामडी रोड का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। तो व्यूअर्स, मेरा चैनल पे लेटेस्ट जो वीडियो है आप लोगों ने देखा होगा, इस वीडियो पे जिस तरह रोड का कंडीशन देख रहे हो आप लोग, उससे थोड़ा चेंज है रोड का कंडीशन। वीडियो पे जिस तरह देख रहे हो उससे भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा एंड उससे भी ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि काम इतना अच्छी तरह से नहीं हो रहा है इस बारिश का मौसम पे। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी इतना ज़्यादा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, 2-3 जेसीपी लगा के थोड़ा बहुत काम कर रहे, लेकिन काम इतना अच्छी तरह से नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जाटेंगे लामपुर से हरंगाजा तक रोड का कंडीशन कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इतना डीप गड्ढा भी नहीं है लेकिन पानी ज़्यादा जमा होता है इस तरह गड्ढे पे। तो ये जगह काफ़ी सालों से कुछ इस तरह सा है, इस जगह के ऊपर थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ है। तो व्यूअर्स, इसी रोड से मैं 2-3 वीक से ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड्स इसी रोड से ट्रेवल कर रहे हैं बाइक लेके। तो उन लोगों से मैं थोड़ा सा रोड के बारे में जानकारी लेने के बाद आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसी रोड का कंडीशन के बारे में, ओके। तो फिलहाल अभी व्यूअर्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे आना जाना ओपन कर दिया गया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आप लामडिंग से सिलचर जाना चाहते हो तो इसी रोड से ट्रेवल कीजिए। ओनली 2 आवर्स जर्नी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आई मीन्स एक्सपोमेटली 40 किलोमीटर्स, जो लामपुर से बांद्रकल तक 2-3 जगह थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला सकते हो। और अगर आप गुवाहाटी डिब्रूगढ़ से सिलचर या करीमगंज बदरपुर जाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शिलांग होते हुए जाने से बेटर होगा इस बारिश के मौसम में। ओनली 7.30 आवर्स जर्नी करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि 2-3 दिन से गोवा कंटिन्यू बारिश हो रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी शिलांग पे कुछ इंसिडेंट की वजह से शायद आसाम की कोई भी गाड़ी उसी रोड से शायद पाबंदी लगाई गई है। अगर शिलांग रोड बंद है तो आप इसी रोड से ट्रेवल कीजिए, अदरवाइज वही और कोई ऑप्शन है तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, रोड का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा गाड़ी जैसे कि एल्टो, स्विफ्ट, बोलेरो, बाइक, ये सब चल रहा है, कंटिन्यू इसी रोड के ऊपर से चल रहा है। तो आप लोग भी इसी रोड से ट्रेवल कीजिए, थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा आप लोगों को। गाड़ी का कुछ सामान ले लेना, जैसे कि एक्सपायर, ये सब गाड़ी का सामान कुछ ले लेना। एंड इसी रोड से जाते वक्त ध्यान रखना कि कौन सा जगह पे जेसीपी रुका हुआ है, यानी जेसीपी रखा हुआ है। तो अगर आपका गाड़ी किसी वजह से कीचड़ पे रुक गया है तो आप जेसीपी को बुला सकते हो। एंड मेरा फ्रेंड्स लोगों ने बोला है कि जिस जगह पे ज़्यादा ख़राब कंडीशन है उसी जगह की नज़दीक जेसीपी रहता है हर वक्त। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आराम से सफ़र कीजिए और मैं कुछ दिन के अंदर लेटेस्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ओके। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से ड्राइविंग कीजिए और व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी चैनल से आप लोगों को इस तरह वीडियो मिलते रहेगा। एंड वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे, ओके। थैंक यू एंड जय हिंद।